إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मुनाफ अशरफ़ी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम रियासत महाराष्ट्र के एक मशहूर और मारूफ शहर मुंबई में मौजूद इस आलीशान बारगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे, तो आप हज़रात हमारे साथ वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए। इंशाल्लाह जो भी मालूमात हमें यहाँ से मिलती है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप हज़रात जिस अज़ीम शान बारगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, ये बारगाह शरीफ रियासत महाराष्ट्र का एक मशहूर और मारूफ शहर मुंबई के माहिम इलाके में बड़ी ही शान और शौकत के साथ मौजूद है। ये बारगाह शरीफ क़ुतुब कोकन इमाम रब्बानी हज़रत मखदूम ज़ैनुद्दीन अली फ़क़ी माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह के अलकाबात इमाम रब्बानी, मखदूम अलाउद्दीन, क़ुरान नातिक, रमूज़ इरफा व मारिफत, बानी तफसीरुर रहमान है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अली की विलादत बासआदत 10 मुहर्रम 776 हिजरी मुताबिक 1372 ईस्वी में माहिम मुंबई में हुई। आप रहमतुल्लाह अली के वालिद माजिद का नाम मौलाना शेख अहमद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अली है। आप कुरैश के नुवायद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अली के वालिद माजिद वली कामिल बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अली के वालिद माजिद की मज़ार शरीफ कलियान मुंबई में मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अली ने अपनी वालिदा माजिदा से तालीम हासिल की और क़ुरान हदीस तफसीर फ़िक़ह कलाम फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ इल्म इस्तेदलाल और दूसरे उलूम के माहिर हुए। आप रहमतुल्लाह अली की उम्र 9 साल की थी उस वक्त आपके वालिदे माजिद का इंतकाल हुआ। इसके कुछ अरसे बाद आप इल्म दीन हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते थे मगर अपनी वालिदा माजिदा को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जब आपकी वालिदा माजिदा को पता चला तो उन्होंने आपको ख़ास उलूम अता करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अली की आदत करीमा थी कि आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद समंदर के किनारे जाते थे। एक दिन आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग शख्स समंदर के किनारे बैठे है। उस बुज़ुर्ग ने आपको अपने पास बुलाया और फरमाया कि तुम्हारी वालिदा बहुत नेक है और वो अल्लाह ताला की वलिया है। फिर उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि आपकी वालिदा माजिदा की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। उसके बाद उस बुज़ुर्ग ने हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि तुम रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद मेरे पास इल्म दीन सीखने के लिए मेरे पास आ जाना मगर ये बात किसी को नहीं बताना। इस तरह आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद समंदर के किनारे उस बुज़ुर्ग से इल्म दीन सीखने के लिए जाते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो बुज़ुर्ग हस्ती कोई और नहीं बल्कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अली की वालिदा माजिदा ने आपसे पूछा, बेटा रोज़ सुबह तुम कहाँ जाते हो? आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिदा के पूछने पर तशवीश में पड़ गए क्योंकि आपके उस्ताद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने आपको ये राज किसी को बताने से मना किया था मगर मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा माजिदा को सच बता दिया। दूसरे दिन
जब सुबह समंदर के किनारे गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह वापस आकर अपनी वालिदा माजिदा को सारा वाकया बता दिए। सारा वाकया सुनने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने फिर से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किए। दूसरे दिन मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह समंदर के किनारे गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बताए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी वालिदा माजिदा की दुआ को कबूल फरमाया है। और फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको कोई चीज़ खाने के लिए दिए। जैसे ही आपने उसे खाया तो अल्लाह ताला ने आपको ज़ाहिरी व बातिनी उलूम से मालामाल फरमाया। इस वाक़े के बाद से मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपना ज़्यादातर वक्त इबादत व रियाजत और मुराक़बा में गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत अमीर थे, मगर आप अपने माल को गरीबों और मोहताजों की खिदमत में खर्च करते थे। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने आपको थाना ज़िला का काजी बनाया था और अपनी बहन से आपका निकाह कराया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और ख़लीफ़ा है और मगरबी अकबरी सिलसिले के शेख है। आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा हज़रत शेख सैयद मोहम्मद कोकनी रहमतुल्लाह अलैह है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 8 जमादी उस्सानी 835 हिजरी मुताबिक 1431 ईस्वी को शब जुमा को हुआ। आपका मज़ार शरीफ मुंबई के माहिम इलाके में बड़ी ही शान व शौकत के साथ मौजूद है और आप रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 13 शव्वाल को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दूर दराज से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें मन्नतें लेकर आते हैं और हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ो बरकात से मालामाल होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। एक करामत मैं आप हजरात को बताता चलूँ कि हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बकरी थी जो आपको बहुत पसंद थी। एक बार आप घर पर आए तो उस बकरी को ना देखा। आपने अपनी वालिदा को उस बकरी के बारे में पूछा। आपकी वालिदा माजिदा ने बताया कि वो बकरी मर गई है और हमारी खादिमा ने उसे समंदर में फेंक दिया है। आप फौरन उस खादिमा के साथ समंदर के किनारे गए और जिस जगह पर बकरी को फेंका था वहां पहुंचकर आपने उस खादिमा को घर वापस जाने के लिए कहा। वो खादिमा वहां से चले गई और थोड़ी दूर जाकर वापस आई। जब वो वापस पहुंची तो उसने देखा कि मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस बकरी से कह रहे थे, चलो उठो हमें घर जाना है, वहाँ अम्मी जान इंतज़ार कर रही है। ये कहते ही अल्लाह ताला के हुक्म से वो बकरी ज़िंदा हो गई और आपके साथ चलने लगी। उस वक्त आपकी उम्र 10 साल की थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामतें बेशुमार है। इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन फिर किसी मौके पर बताने की कोशिश करूँगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार किताबें भी लिखी है। इंशाअल्लाह उन किताबों के नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप हजरात उन किताबों के नाम भी पढ़ सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप हजरात जिस जगह को देख रहे हैं ये वही जगह है जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से आप इल्मे दीन सीखा करते थे और ये जगह हज़रत मखदूम माहिम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के बिल्कुल पीछे समंदर के किनारे मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हजरात को हमारी ये वीडियो कैसे लगी। आप हजरात ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल रज़ा स्टूडियो आदोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाए।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، ہم تماموں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔